संसद में हंगामा लगातार देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस कह रही है माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है, आर पार कैसे छिड़ा हुआ, ये देखिए जरा। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना, ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोदने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। सब टीवी चैनल्स को दबाया जा रहा है और जो लोग सच बोलते हैं उनको जेल में डाला जाता है, तो ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है। तो इसीलिए माफ़ी का सवाल नहीं, और हम पूछेंगे उनको, आपने इतने कंट्रीज़ में जाके बात की, वो भी यहाँ के लोगों के कल्चर को और इंसानियत को अपमान किया, और उन्होंने तो सिर्फ डेमोक्रेसी पे बात की, और हर जगह जो लोग जाते हैं डिबेट में अपने विचार रखते हैं उससे ताल्लुक इससे नहीं है।